नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर के भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद के लिए नोटिफिकेशंस जारी की गई है। तो दोस्तों, यहां पर पद होंगे टोटल आपके 434। ये दोस्तों एकदम नई भर्ती है 2020 की। इस भर्ती की मैं आपके लिए आगे जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये नहीं लगे कि ये भर्ती फेक है, बिल्कुल ओरिजिनल भर्ती है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप महिला हैं या पुरुष हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2020 में भर्ती होने वाली है दोस्तों। एज लिमिट आपकी होगी 18 साल से 40 साल के बीच में, यानी कि अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच के हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे की वीडियो में इसी भर्ती के बारे में डिटेल में। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों सरकारी एग्जाम के रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर सरकारी एग्जाम .com के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट 434 स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद में आप दोस्तों इस भर्ती के बारे में डिटेल में देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, 30 जनवरी 2020, मतलब एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग की डेट है अप्लाई करने की, वो 30 जनवरी 2020 से है। और लास्ट डेट है आपकी 28 फरवरी 2020, मतलब 30 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2020 के बीच में आपके लिए इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपको लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन 29 फरवरी 2020 होगी आपकी, और एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल सून हो जाएंगे अप्लाई करने के बाद में। एग्जाम डेट भी आपको बाद में बताई जाएगी। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो जनरल ओबीसी और एमओबीसी के लिए दोस्तों यहां पर होगी 650 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, और एससी और एसटी के लिए होगी दोस्तों 400 रुपये फ़ीस। लोकेशन है दोस्तों यहां पर, जॉब लोकेशन राजस्थान, और एज लिमिट आपकी जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, और एज रिलैक्सेशन एज पर लिमिट, एज पर रूल मिलेगी आपके लिए। जैसे कि सभी वैकेंसीज में, सभी गवर्नमेंट रूल्स में ये बताया गया है कि एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट मिलेगी आपको एज पर रूल, मतलब जो भी आपके लिए ऑथराइज है उसके हिसाब से आपके लिए एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, वैकेंसीज डिटेल फॉर राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। पोस्ट नेम आपका है यहाँ पर स्टेनोग्राफर। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी 340 वैकेंसीज हैं, और नॉन टीएसपी एरिया में 329 पोस्ट हैं आपकी। जनरल के लिए यहाँ पे 150, ओबीसी के लिए 39, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, एमबीसी के लिए 5, एससी के लिए 62, और एसटी के लिए 49 पोस्ट होंगी। टीएसपी एरिया के लिए दोस्तों 11 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 8 हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए 3 हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ पर 54 पोस्ट हैं। नॉन टीएसपी एरिया के लिए 54 में से 51 पोस्ट होंगे, और टीएसपी एरिया के लिए दोस्तों होंगे आपको 3 पोस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेनोग्राफर हिंदी, तो आपके यहाँ पे हिंदी स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 40 पोस्ट दी हुई हैं दोस्तों। पे स्केल आपका रहेगा 33,800 से 106,700 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे बढ़िया पे स्केल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, 33,800 से 106,000 रुपये पर मंथ का आपका पे स्केल होगा। उसके बाद में दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर के वैकेंसीज हैं ये, जैसे कि, तो आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में शॉर्ट हैंड है तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्विजिट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना जरूरी है बस, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। उसके बाद में आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी सरकारी एग्जाम.com के रिजल्ट की वेबसाइट पर आके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन, आप जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट की जो फॉर्म अप्लाई करने की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है दोस्तों ये, स्टेनोग्राफर की बहुत ही अच्छी जॉब होती है, वैल्यूएबल जॉब होती है। तो आपसे मैं यही रिकमेंड करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप अगर इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एक बात मैं दोस्तों आपको बताने यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम जो आपका सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा।
तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म अप्लाई कब होने हैं, कब तक होने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, पोस्ट बता दिया, सब कुछ मैं आपको इस भर्ती के बारे में बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता अब इस भर्ती के बारे में मुझे आपके लिए कुछ बताने की आवश्यकता है। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।